हे गाइस वेलकम बैक गाइस, आज की वीडियो में हम बिनोमो से बाइबिट में विड्रॉल लेने वाले, यानी TRC20 से किस तरीके से आप विड्रॉल ले सकते हैं अपने बाइबिट अकाउंट में। ठीक है, अभी तक आपने बाइबिट अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और चैनल पर मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें रियल अकाउंट आप देख सकते हो, 3,120 रुपीज़ का अकाउंट का ये बैलेंस है। इस अमाउंट को मैं विड्रॉल लेने वाला हूं अपने बाइबिट के अकाउंट में, यानी TRC20 की मदद से हम विड्रॉल लेने वाले हैं। किस तरीके से आप विड्रॉल ले सकते हो, सारा कुछ प्रोसेस होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले गाइस आपको बाइबिट का अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे गाइस मैं बाइबिट का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए गाइस। काफी मेंबर्स VIP में ज्वाइन होकर अपना लॉस रिकवरी कर रहे हैं, आप भी अपना लॉस रिकवरी कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो गाइस यहां से हम जाते हैं नीचे वाले, आप देख सकते हो यहां पे आपको असेट्स पर क्लिक करना है। ठीक है ना, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा तो किस तरीके से आपको विड्रॉल लगाना चाहिए अपने बाइनोमो से बाइबिट अकाउंट में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारा अमाउंट भी देख सकते हो, 3.32 USDT हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो गाइस इसमें हम विड्रॉल लेने वाले, अगर आपको बिनोमो से विड्रॉल लेना है तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट पर आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी आपको इधर से यहाँ से आपको डिपॉजिट करना हो तो यहाँ पे आपको विड्रॉल वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से हमको इसमें विड्रॉल लेना है तो हमको इधर डिपॉजिट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमको डिपॉजिट करना है, यानी वहां से विड्रॉल लेगा, यहाँ से डिपॉजिट करना, आपको USDT सेलेक्ट करना है गाइस। ठीक है, तो USDT सेलेक्ट करने के बाद आपको TRC20 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है तो आपको TRC20 सेलेक्ट कर देना है। जिसमें गाइस सेलेक्ट कर देता हूँ, देखिए नेटवर्क चेन होता है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए एड्रेस कॉपी करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी एड्रेस यहाँ भी शो हो रहा है, जिससे आप भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, चलिए चलते हमारे बाइनोमो के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे आपको वॉलेट वाले ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है वॉलेट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से हम जाते हैं विड्रॉल वाले सेक्शन पर। तो गाइस यहाँ से मैं जाता हूँ अपने विड्रॉल वाले, यहाँ से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा सा ये, चलिए इधर से आप देख सकते हो USDT वॉलेट बोल के शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिए काफी सारे हमको मेथड अवेलेबल है, तो हम USDT वॉलेट से विड्रॉल लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हम अमाउंट सबसे पहले ऐड कर देते हैं 3,120 रुपीज़ का। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आपने एड्रेस आपने कॉपी किया है यहाँ पे आपको वो पेस्ट करना है। ठीक है, हमने उस वो वाले एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से पेस्ट करने के बाद गाइस आपको रिक्वेस्ट विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से देखते रहे वीडियो को, कोई पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। इस तरीके किस तरीके से आपको विड्रॉल लेना है आपको दिखा रहा हूँ लाइव में। ठीक है, तो मैं भी इसी की मदद से विड्रॉल लगाता हूँ, बाइबिट जो वॉलेट है ना गाइस उसी को मैं यूज करता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मैं गाइस क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस और एक बार आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो गाइस अब हमारा जो विड्रॉल है ना गाइस ये वेरीफाई होगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। किस तरीके से ऐड होगा देखिए लाइव में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारा जो टाइमिंग भी देख सकते हो, कितने टाइम को हमने विड्रॉल लगाया हुआ था। तो गाइस आप देख सकते हो 1:52 PM हो चुका है गाइस हमने विड्रॉल लगाया। ठीक है, कितने समय के बाद आएगा ये भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखते हैं, वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिए। तो गाइस फाइनली हमको एक विड्रॉल मिल चुका है हमारा, आप देख सकते हो गाइस हमारा जो फर्स्ट विड्रॉल लगाया था ना वो हमको रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से विड्रॉल लगाया था, हमारा जो विड्रॉल है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो 1:59 PM को मैंने विड्रॉल लगाया था, हमको एक मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, हमारा जो विड्रॉल है ना वो सक्सेसफुली हमारे बाइबिट के अकाउंट में आ चुका है। चलिए हम चलते हैं हमारे बाइबिट के अकाउंट पे, आपको कहाँ पे वो विड्रॉल शो हो जाएगा दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड ओपन हो रहा है गाइस। ठीक है, तो गाइस देखिए इस पर आप अपने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो फटाफट से क्रिएट कीजिए। तो गाइस आप चलते हैं हमारे एसेट्स पर। ठीक है, तो गाइस चलिए गाइस आप देख सकते हो 40.62 USDT हमारे अकाउंट में ऐड हो चुकी है, यानी कुछ मेरा फंड भी था आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। ठीक है, अब जो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में लेके जाके आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस हमारी हिस्ट्री, तो ठीक है 37+ कितने की हमको देखिए USDT ऐड हो चुके हैं हमारे, इधर से हमको डिपॉजिट हो चुका है, बाइनोमो से हमको विड्रॉल मिल चुका है, यहाँ पे हमको डिपॉजिट हुआ है। ठीक है गाइस, इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से आप बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो, ठीक है उस पर मैं वीडियो मेरे और एक चैनल पे अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, वहां से वो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको विड्रॉल लेना है अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए गाइस ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।